अदरी नगरपालिका अध्यक्ष पद के जो रिजल्ट है वो लगभग आ चुका है और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी गीता पंडित विजयी हासिल हुई हैं। गीता पंडित की ये जीत की तीसरी हैट्रिक है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गीता पंडित खुद इस समय मौजूद है। गीता जी, आपका जो जीत का श्रेय है, आप मतलब किन किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था? ये मैंने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा है। जैसे कि मैंने अपनी जनता से वादा कराया कि डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था सही करेंगे और बस अड्डा बहुत जर्जर हालत हो चुके हैं, उसे शिफ्ट करके उसकी जगह पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे। और दूसरे जो बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, बेसिक मुद्दे हैं, तो बेसिक मुद्दों से आपने जो दूसरा, अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब किस तरीके से आप काम करेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपको तीसरी बार पब्लिक ने मैंडेट दिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी तो डंपिंग ग्राउंड को ही लेकर रहेगी, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले वो आबादी से अलग था, लेकिन अब आबादी के बीच में आ चुका है, तो सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड को ही व्यवस्था सही कराई जाएगी। लेकिन शहर की हमने हालात देखी है, शहर हम घूमे हैं, शहर में कहीं सीवर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये आपके आपकी जो वर्किंग लिस्ट है उसमें ये रहेगा? बिल्कुल, पानी की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी, क्योंकि टंकियाँ बन के तैयार रहेगी, सिर्फ घरों में कनेक्शन करने रह रहे हैं। चुनाव की वजह से ये काम रुक गया था, अब आचार संहिता हटते ही सबसे पहले इसी पे काम करा जाएगा। और सीवर लाइन की भी व्यवस्था चल रही है, फाइल भी है, लेकिन सिर्फ जगह की उपलब्धि ना होने के कारण रुक गया था, लेकिन विधायक जी और हम दोनों मिलके इसका भी समाधान कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैडम, हमने देखा आपका पूरा जो काउंटिंग है पूरी देखी, हर वार्ड से देखी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम और जो हिंदू आबादी है वो बराबर की है, आपको मुस्लिम जहाँ बहुल इलाके हैं वहाँ से वोट मिले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या ये मोदी योगी मैजिक है जो मुस्लिमों को पसंद आ रहा है? जी बिल्कुल, ये विकास को लेके और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, उन सब का फायदा सभी उठा रहे हैं, तो उन सब ने हमारे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके ही हमें वोट करा। बिल्कुल, ये थी गीता पंडित जो बता रही थी कि जो सभी समाज, चाहे मुस्लिम हो या दूसरे अन्य वर्ग हो, उनका समर्थन इनको पूरी तरीके से मिला है। कहीं ना कहीं ये अपनी जीत के पीछे जो दादरी का समाज है उसका हाथ बताती हैं। ग्रेटर नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।